और आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा जमशेद चीमा को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा है जमशेद चीमा जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बात कर लेते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, अब भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और दाता दरबार के सामने पुलिस वैन को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तोड़ डाला और पुलिस अहलकारों पर भी डंडे पर बरसाए, जिस पर पुलिस ने रिएक्शन दिया। और इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा भी वहां पर बताया जाता है मौजूद थे और वकला के हमरा उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अब तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक जमशेद इकबाल चीमा और जो पुलिस जो वकला थोड़ी हिरासत में लिए गए हैं उनको प्रिजन वैन में बदामी बाग थाने में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। तहम तहरीक इंसाफ का जो काफिला जमशेद इकबाल चीमा और शफकत महमूद की जेरे क़यादत ऐवान अदल से निकला था वो अभी दाता दरबार तक ही जो है वो मशहूर है। उसके अलावा आगे जो है वो अब हालात नॉर्मल नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस की जानिब से चौक यतीम खाना और न्याजी चौक पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे हुए थे उन्हें यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, अपडेट किया आपने। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर से पुलिस ने कारकुन